नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आपको हमने बताया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट एक फॉल ले सकता है, लेकिन बहुत नीचे मार्केट नहीं जा सकता। आप जाके इस वाली वीडियो को जाके चेक कीजिएगा जो हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी आपको 14 मई के लिए। उसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ ये भी बोला था कि 14,640 के नीचे ये आपको लेवल दिया था निफ्टी के अंदर। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तभी जो हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और मैंने आप सभी लोगों से इसी वीडियो के अंदर एक लास्ट रिक्वेस्ट भी की थी कि दोस्तों, अगर फॉल आता भी है और आपकी अगर शॉर्ट पोजिशंस भी हैं तो आप उस फॉल के अंदर आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दीजिएगा। ये मैंने आपको सभी को बोला भी था, रिक्वेस्ट भी की थी। जो भी लोगों ने ये वीडियो, लास्ट वीडियो जो हमने पोस्ट की है उसके अंदर जिन भी लोगों ने ये सारी बातें मानी होंगी, डेफिनेटली वो फायदे में रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या, ये हम चेक कर लेते हैं। जो बातें हमने यहाँ पे बोली थी क्या वो यहाँ पे मार्केट के अंदर हुई या फिर नहीं हुई, हम ये चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आप चेक करेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, आप चेक कर सकते हो मार्केट के अंदर एक फॉल तो आया, जो फॉल हमें एक्सपेक्टेड था। यहां पे खुलते के साथ ही मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने रिकवर किया, फिर मार्केट नीचे गिरा। मतलब ये जो फॉल था यहां से लेके यहां तक का 14,600 तक का 100 पॉइंट का फॉल आया मार्केट के अंदर, जिसके लिए हम पहले से ही रेडी थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर जब मार्केट आपका आ चुका था, ये टाइम था तकरीबन आप चेक कर सकते हो, ये टाइम था दोस्तों तकरीबन 12 बजे के आसपास का, आप नीचे टाइम चेक भी करिएगा। और इस वक्त मेरा एक पोस्ट भी आया था मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आगे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको मैं डेफिनेटली हिंट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको मैं कंडीशन बताता रहता हूं लाइव डाटा के बेसिस के ऊपर। दोस्तों, आप चेक कर सकते हो कि यहां पर तकरीबन 12 बजे के आसपास मैंने यहां पे बोला था आप लोगों को कि 14,640 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। दीज लेवल्स वर गिवन इन द यस्टरडे वीडियो, मतलब ये जो लेवल है इसकी चर्चा हमने पहले से की थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब तक इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो जाता आप शॉर्ट मत कीजिए, मतलब मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मना किया था, साफ साफ मना किया था। दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, टाइमिंग भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और ये शुक्रवार का ही पोस्ट है, आप जाके चेक कीजिएगा। साथ में मैंने आपको 5 मिनट बाद ये बता भी दिया था कि यहाँ पर मार्केट का इस हफ्ते का ये जो करंट वीक चल रहा है, एक्सपायरी जो होगी ये थर्सडे को ही होगी, लेकिन फ्राइडे को एक्सपायरी चालू हुई है, तो यानी कि जो करंट एक्सपायरी है उसका बॉटम यहाँ पे बन चुका है। मैंने यहाँ पे साफ साफ आपको बताया भी था और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि शॉर्ट नहीं बनाना। दूसरी चीज, आपको मैंने यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर अब बॉटम बन चुका है, प्लीज अब शॉर्ट ना कीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके की आपको हेल्प मिलती रहेगी लाइव मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। और आप चेक कर सकते हो जाकर कि अभी जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की ही जो क्लोजिंग हुई है वो मतलब ये 700 के आसपास हुई है। पहली चीज तो यानी कि नीचे से मार्केट 100 पॉइंट्स रिकवर किया है। और दोस्तों, यहाँ पर डाटा पॉइंट्स ये बोल रहे हैं कि अगले आने वाला हफ्ता थोड़ा सा एनकरेजिंग है और थोड़ा सा पॉजिटिव मूव के साथ यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे। मंडे को भी हम कितना पॉजिटिव देख सकते हैं और कैसा मार्केट रहेगा मंडे को, वो भी हम चर्चा यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। लेकिन यहाँ पर 14,600 का आसपास जब मार्केट था, मैंने सबको बोला था कि शॉर्ट ना कीजिएगा, ये जो बॉटम है 14,600 का ये इस हफ्ते के लिए काम करेगा एज ए बॉटम का इस हफ्ते के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये चर्चा हुई थी हमारी और जैसा हमने अपने वीडियो के अंदर बताया था, इसलिए मैंने सबको कहा था शॉर्ट पोजिशन क्लोज कर दीजिएगा, कोई भी लोग यहाँ पर शॉर्ट कैरी मत कीजिएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कैरी किया होगा तो यहाँ पर उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये चर्चा हुई थी हमारी फ्राइडे की वीडियो के
फ्राइडे के लिए जो हमने वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मैंने आपको साफ साफ अपनी वनडे की एनालिसिस के अंदर ये कहा था कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है ये वॉल्यूम के साथ हुआ है, ये हमको इम्पोर्टेंस इस वाले ब्रेकआउट को देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये साफ साफ मैंने आपको पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर एक मुझे जो उम्मीद है, ये सब समझाया भी था वीडियो के अंदर, कि जो ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, पिछली बार जो इसका ब्रेकआउट था वो एक नेगेटिव कैंडल से हुआ था और नेगेटिव कैंडल के साथ साथ वहां पे वॉल्यूम भी था, तो ये एक फेक ब्रेकआउट था। हमने चर्चा किया था अपने चैनल के ऊपर ही, लेकिन इस बार का जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है ये एक रियल ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से, आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम चेक करोगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ये बता रहा है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। दूसरी चीज आपको मैं समझाने चाहता हूँ एक चीज और, कि हमने चर्चा की थी कि कभी भी अगर बेयरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है वहां पर होता क्या है, मार्केट ब्रेकआउट प्रॉपरली करने से पहले एक बार नीचे डिप लेती है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कप हैंडल, इसे कहते हैं कप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो कप हैंडल जो आपका पैटर्न है उसकी बनने की यहाँ पर पूरी पूरी गुंजाइश थी। मैंने आपको अपने टेलीग्राम और YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस जो पोस्ट करता हूँ उसके अंदर आपको बताया भी था, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अब कप हैंडल का पैटर्न लगभग पूरा हो चुका है और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही थी ये ट्रेंड लाइन पहले रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, और आप खुद जाके यहाँ पे चेक कीजिएगा कि यहाँ पर अब ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट का काम कर रही है। कोई भी कैंडल अब पूरी की पूरी इस ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे नहीं जाएगी फॉल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये कप हैंडल का जो पैटर्न है ये तकरीबन हाफ कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि फिर ये कप हैंडल के तरीके से एक ब्रेकआउट देगा, बहुत जल्द देगा। हो सकता है यहाँ पर जस्ट बिकॉज के यहाँ पर प्रीमियम्स और आईवी जो है, याद रखिएगा आईवी और प्रीमियम बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर ब्रेकआउट करने से पहले इस रेंज के अंदर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन भी करे मार्केट। ये पूरी पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा पूरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट यहां पर एक दो से तीन दिन, हो सकता है 4 से 5 दिन भी ले ले, मार्केट यहां पर इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन भी करेगा। लिख लीजिएगा इस बात को, क्योंकि आईवी इस चीज को बता रहा है ऑप्शन चेन का, और ये चीज पहले से ही पहले डाटा पॉइंट्स के ऊपर पता लग सकती है। दोस्तों क्या हो सकता है हमारा अगला कंसोलिडेशन रेंज जो कि अगले कुछ दिन तक यहाँ पर हमें मिल सकता है, वो हो सकता है दोस्तों ये वाला, नीचे हम मानते हैं 14,600 का और ऊपर हम मानते हैं 15,000 का। तो अब ये नया कंसोलिडेशन रेंज मुझे पर्सनली दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि इस रेंज के अंदर मार्केट जो है अगले कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेकआउट देगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेकआउट होने में। वॉलेटिलिटी कम है मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए ब्रेकआउट होने के लिए पहली चीज, और दूसरी चीज यहां पर कंसोलिडेशन जरूरी है होना। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा तो वो फास्ट ब्रेकआउट होगा, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर मुझे पूरी उम्मीद है ये जो 500 पॉइंट की रेंज जो है, अब 500 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर अभी कंसोलिडेशन कुछ दिन तक चल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चीज की हेल्प जरूर मिलेगी। अब हम मंडे के लिए चेक कर लेते हैं कि मंडे को यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मंडे के लिए मैं यहाँ पर एक घंटे का चार्ट में लेके आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ओपन करता हूँ आपके लिए, याद रखिएगा ये हाई था, इसको हाई को यहाँ पे इसके साथ मिलाएंगे आप, ये वाला, ठीक है। यहां से समझिएगा मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर एक घंटे के चार्ट के ऊपर जब आप इस वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आप चेक करोगे कि आपका ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पहले रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन लास्ट एक घंटे के अंदर यहां पर इसने ब्रेकआउट किया है इस ट्रेंड लाइन का। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो तकरीबन यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट पॉसिबल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि कम से कम मुझे कितनी उम्मीद है जो इसका हाई है
और जो इसका लो है। तो यहाँ पर जो रूल कहता है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट होता ही होता है। 50% रिट्रेसमेंट टारगेट कहाँ निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 14,780 का। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर, अब याद रखिएगा, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है मंडे को, ठीक है, इस लेवल, ये टारगेट हमारा है मंडे के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रखी हैं। आप सभी को यहां पर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बोला था, आप चेक कर सकते हो, आप यहां पर चेक कीजिएगा। यहां पर मैंने साफ साफ बोला था कि यहां पर क्लोजिंग डाटा जो है वो सॉलिड है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी हुई हैं, तो यहां पर मुझे उम्मीद है जो पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड की हुई हैं उसके लिए हम पर्सनली अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। ये दो टारगेट आपको देख रहे होंगे, 14,820 का और 14,780 का। कौन सा है, 14,780 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर द मंडे, सेकेंड टारगेट 14,820 का, और थर्ड टारगेट आपको यहां पे दिख रहा होगा 14,890 का। ये तीन टारगेट के लिए हम यहां पर अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा ये टारगेट भी नहीं आता तो हम कम से कम ये दोनों टारगेट तो आराम से अचीव कर ही लेंगे। और अगर दोस्तों यहां पर इस लेवल के ऊपर, याद रखिएगा, अगर 820 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, ये लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए मंडे के लिए, 820 के ऊपर अगर ये मेरा मार्केट टिक जाता है मंडे को, तो हमको ये वाला टारगेट भी मिल सकता है, हमें यहाँ पर चौकन्ना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये दो टारगेट के लिए प्ले करूंगा, और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी मैं हर टारगेट के लिए यहाँ पर जाऊंगा। तो ये मेरा मंडे के टारगेट्स हो गए, और मैंने आपको बता ही दिया कि हम बुलिश हैं और हमने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर दी थी अपनी, क्या कहते हैं, फ्राइडे को ही, और उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर बेनिफिट होगा, और यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर हेल्प भी मिल रही होगी रेगुलरली हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब दोस्तों फाइनल आपको देखना क्या है वनडे के कैंडल के ऊपर, ध्यान रखिएगा, वनडे के कैंडल के ऊपर, मैं इसको वनडे कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये वनडे की कैंडल आपके सामने आ गई। अब आपको ध्यान देना है, क्या देना है, कि जो रेसिस्टेंस मिलेगा मार्केट को वो इस लेवल के आसपास मिलेगा, और ये लेवल कौन सा है, 14,930 से लेके 15,000 का लेवल। तो इस लेवल के आसपास आप अपनी बुलिश पोजीशंस को एक बार कम से कम क्लोज जरूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक 15,000 के ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती वनडे के ऊपर, तब तक प्लीज आप अपनी बुलिश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो यहां पर हम जब तक बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जब तक 15,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बात भी याद रहेगी। तो ये तो बात हुई हमारी चार्ट्स बेसिस के ऊपर, टेक्निकल बेसिस के ऊपर। अब हम फटाफट से निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन दोस्तों यहां पर देखो, दिखा देता हूं मैं आपको, आईवी जो है बहुत स्लो है, इसलिए अभी मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेशन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर आप चेक कर सकते हो 14,900 यानी कि 14,900 के ऊपर ऑलरेडी कॉल बाइंग चल रही है, और 15,000 के ऊपर भी कॉल बाइंग चल रही है। लेकिन 15,000 के ऊपर क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट बहुत हैवी है, इसलिए रेसिस्टेंस का काम भी करेगा। 14,900 से लेके 15,000 की रेंज के अंदर आपको रेसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पर कॉल बाइंग चल रही है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि 900 के आसपास तक मार्केट एक बार तो आ ही सकता है, मंगलवार या सोमवार तक, उम्मीद करता हूँ इस चीज की। तो यहाँ पर सिंपल है कि ऑप्शन चेन यहाँ पर बुलिश है, और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ये फ्रेश पुट राइटिंग हैवी हुई है, और पुट राइटिंग हैवी है। दूसरी चीज, इन द मनी के अंदर भी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, कुछ पोजीशंस क्लोज भी हुई थी क्योंकि गैप डाउन हुआ था इस वजह से, और यहाँ पर पुट राइटिंग के साथ साथ यहाँ पर कुछ बिल्ड हुआ है पोजीशंस। उसको कंफर्म कैसे कर सकते हो कि ये रियल है कि नहीं, वो भी बता देता हूं मैं आपको। आप चेक करिए कि यहाँ पर कॉल बाइंग हो रही है,
कॉल बाइंग के साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए क्या प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन चेन यहाँ पर प्योरली बुलिश है और इसका कंक्लूजन यही है कि मार्केट कम से कम 14,850 या 900 तक जा सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की कंडीशन क्या है। बैंक निफ्टी के अंदर पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। यहां पर बहुत सारे लोग जब मार्केट में एसजेएक्स निफ्टी जिस दिन हमारी ऑफ था थर्सडे को, तो वहां पर एसजेएक्स निफ्टी आपका 14,450 तक चला गया था और बहुत सारे यहां पर मुझे कमेंट्स मिल रहे थे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर और क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि सर अब तो मार्केट डूब जाएगा। मैंने सबको कहा था कुछ नहीं होने का है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना एसजेएक्स निफ्टी आप देखोगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी आप लोगों को ही। तो मैंने आपको साफ साफ कहा था एसजेएक्स निफ्टी क्या है, केवल और केवल एक नंबर है। ये मैं क्यों कहता हूं इस चीज को आप थोड़ा समझ लीजिए, आपके लिए एक लर्निंग का बेस रहेगा। देखिए होता क्या है, इंडियन इंडेक्स जो कि निफ्टी है वो सिंगापुर में ट्रेड होता है, उसको एसजेएक्स निफ्टी कहते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ग्लोबली, कोई भी अगर टेम्परेरी न्यूज आती है उसका इम्पैक्ट आपको टेम्परेरी मिलेगा। मैंने आपको समझाया भी था, पुरानी वीडियो के अंदर जाके चेक कीजिएगा। हमारा इन्फ्लेशन का डाटा बहुत हैवी पुअर आया था, किसका, यूएस का, उसका इम्पैक्ट आपको वेडनेसडे को मिल चुका था एसजेएक्स निफ्टी के अंदर। इसका मतलब नहीं है, सॉरी थर्सडे को आपको मिल गया था जब हमारी छुट्टी थी तो एसजेएक्स निफ्टी यहाँ पे दिख रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट आपका जो है मार्केट नीचे जाता ही रहेगा और आप एसजेएक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर बेयरिश व्यू बना लेंगे, इट इज नॉट राइट थिंग। दूसरी चीज, क्योंकि ये ग्लोबल न्यूज कोई भी या इंडियन न्यूज कोई भी एक टेम्परेरी होती है, आपको समझाया हुआ था पहले से ही अपनी वीडियो के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि एक दिन या दो दिन ही रहे, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो एक स्विंग के अंदर पोजिशन जो बनाते हैं वो एक स्विंग के अंदर बनाते हैं। तो यानी कि जो टेम्परेरी एक या दो दिन की न्यूज होती है ये बड़े प्लेयर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपनी पोजिशन जो भी उन्होंने बना रखी होती हैं पोजिशन उनको वो लॉस में नहीं जाने देते। तो इसीलिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स की जो है पोजीशंस क्या हैं, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये है देखना हमको इम्पोर्टेंट है। हमको इम्पोर्टेंट नहीं है देखना कि एसजेएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं कभी भी एसजेएक्स निफ्टी के ऊपर फोकस नहीं करता हूं। मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये केवल एसजेएक्स निफ्टी जो है वो एक नंबर है, इसके ऊपर फोकस ना कीजिए, फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर। लर्निंग करोगे तो आपको यहाँ पर बिग प्लेयर्स की जो उनकी स्विंग पोजीशंस हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिग प्लेयर्स चाहता क्या है, मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, वही आपको जिता सकता है मार्केट के अंदर। अदरवाइज एसजेएक्स निफ्टी को देखेंगे आप दो दो ढाई ढाई बजे तक तो आपकी ना तो नींद पूरी होगी, प्लस आपके सर में भी दर्द होगा, प्लस आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके लिए एक लर्निंग है। दोस्तों अब यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर जो है थोड़ा प्रेशर बना हुआ है और बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन यहां पर आपका बैंक निफ्टी जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और यहां पे दूसरी चीज, बैंक निफ्टी जो है यहां पर एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। तो 3300 अपर रेंज, लोअर रेंज 3200, इस 1000 पॉइंट के रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, पहली चीज तो ये आपको समझनी होगी। दूसरी चीज कि इसके अंदर जो सपोर्ट है, जो इसके अंदर अभी सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, वो यहां पर ये दिख रहा है, ये वाला कितने का है, 31,977 का, यानी कि वही 32,000 का ही यहां पर एक मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना मिले आप बियरिश नहीं होना, इस लेवल को आप लिख लो, 32,000 का सपोर्ट है। दूसरी चीज, अब यहां पर जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, वो मिल रहा है दोस्तों 33,200 के ऊपर,
कहां पे 33,200 के ऊपर, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, जब तक आपको बुलिश भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जानी, ये इंपॉर्टेंट दोनों लेवल हैं 32,000 33,200, तब तक इन दोनों ये 1200 पॉइंट के अंदर घूम रहा है मार्केट, आपको कोई भी किसी भी टाइप की पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द लेवल कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जानी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। दूसरी चीज अब हम इसको देख लेते हैं कि एक घंटे पे कैसा इसने बिहेव किया है, तो एक घंटे पे तो इसने बहुत बुरा बिहेव किया फ्राइडे को इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो आप चेक कीजिएगा यहां पर जो सिचुएशन निकल के आ रही है, आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जैसे इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होगा वो दोस्तों होगा 32,300 के ऊपर। किस लेवल के ऊपर? 32,300 के ऊपर। तो यानी कि इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा बैंक निफ्टी, तो आपका यहां पर जो कम से कम ये फॉल का आपको वही 50% रूल याद रखना है। तो 50% रूल क्या निकल के आ रहा है आप चेक कर लीजिए, वही आपके टारगेट्स होंगे। समझ में आ गया कितना निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है दोस्तों 32,600 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 32,750। तो ये दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो, और इस लेवल के ऊपर अगर गलती से टिक भी गया ना, सस्टेन हो गया ना, तो आपका 33,000 भी ट्यूजडे तक आ जाएगा, इस बात को आप लिख लीजिएगा। तो हम पहले इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले ये दो टारगेट देख लेते हैं 32,650 32,750। ये दोनों लेवल टारगेट जो है वो लिख लीजिए, फ्राइडे के लिए मंडे के लिए रहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोनों टारगेट जो है बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, निफ्टी के अंदर जो टारगेट दोनों दिए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए होंगे अगर आप हमारे चैनल से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपको एक्यूरेसी मिल ही रही होगी पर डे बेसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों यहाँ पर लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, हर वीडियो कुछ ना कुछ सिखाती है, उस लर्निंग अगर कर ली तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी कंट्रोल जो है मार्केट के ऊपर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कोई भी टिप्स नहीं मिलेगी, केवल और केवल आपको डायरेक्शन दी जाएगी और उस डायरेक्शन को समझ के आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपका आने वाला हफ्ता प्रॉफिटेबल जरूर होगा। थैंक यू।